हेलो हेलो नमस्ते सर। नमस्ते साहब, गुलशन तो बोला है आप नाम? साहब माफी चाह साहब, हाँ फोन कराई हूँ, चाहते हो राजू कम बंद करे तो उल्लासनगर पैनल नंबर 6, जिसके नगर सेवक महेश सुखरमानी और रेखा ठाकुर के पिताजी अशोक ठाकुर और प्रकाश माखीजा के ऊपर सोशल मीडिया पे एक गुलशन नाम का व्यक्ति वीडियो वायरल करके ये बता रहा था कि इन लोगों ने गुलशन से उनके घर बनाने के लिए पैसा मांगा हुआ था। थाने सर्कल की न्यूज को ये जैसे ही मैसेज मिला, थाने सर्कल की न्यूज इस वायरल वीडियो का सच जानने के लिए महेश सुखरमानी और प्रकाश माखीजा और अशोक ठाकुर के पास हमने सबसे पहले प्रकाश माखीजा से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ज्ञान नाम के व्यक्ति को वह किसी को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जानबूझकर सोशल मीडिया में गलत अफवाहें फैलाई जा रही है और वह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यह मैसेज वायरल किया है वह ब्लैकमेलर है। ऐसी जानकारी प्रकाश माखीजा ने दी। उसके बाद हम पहुंचे महेश सुखरमानी के पास। महेश सुखरमानी ने काफ़ी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि यह मैसेज जो वायरल कर रहे हैं वह लोग ब्लैकमेलर है और हमें जानबूझ के हमारी जो वीडियो है उसको तोड़ मोड़ के बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये वायरल वीडियो का सच क्या है। प्रकाश माखीजा जी, ये गुलशन करके नाम के व्यक्ति का नाम वीडियो वायरल हो रहा है शहर में कि कुछ लोगों ने उनसे कुछ अवैध निर्माण के बारे में बात की, क्या कहना है उसमें? आपका नाम जोड़ा जा रहा है। नहीं, मेरा तो पहली बात तो मैं कोई गुलशन को पहचानता ही नहीं हूँ, कौन गुलशन है, और न ही मेरे वार्ड में कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चालू है। रही बात ऐसे लोगों की, ऐसा सुना गया है कि वो एक ब्लैकमेलर का एक गैंग है, ये गुलशन भी उस गैंग से जुड़ा हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, झूठी रिकॉर्डिंग वगैरह बना के और अच्छे लोगों को, शहर के अच्छे लोगों को, जैसा महेश सुखरमानी जी है, रेखा ठाकुर जी हैं, मैं हूँ खुद, ऐसे लोगों को और भी कुछ लोग हैं, ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं। उनका काम यही है, खुद पूरे शहर से तोड़ पानी करते हैं और बाकी लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो माखीजा साहब, इन बातों का आप पूरी तौर से खंडन करते हैं? बिल्कुल खंडन करता हूं, मैं कोई गुलशन को पहचानता नहीं हूं और न ही मेरे वार्ड में कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चालू है। तो ये लोगों की जो धारणा है, क्या धारणा, क्या कोई राजनीति आपको शिकार बना रहे हैं? हाँ, ये लोगों का काम ही ऐसा है, अच्छे लोगों को लिए अच्छे लोगों को बदनाम करना, उनको ब्लैकमेलिंग करना, यही लोगों की उनकी धारणा है। धन्यवाद माखीजा साहब। मैं सुखरमानी जी, गुलशन नाम के व्यक्ति ने उल्लासनगर शहर में व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज वायरल किया है कि आप लोग को बताया जाता है कि आप अवैध निर्माण से उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं, क्या माजरा क्या है, थोड़े में बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ इस गुलशन जो गुलशन नाम का कटारा नाम का गुलशन कटारा नाम का जो बंदा है जिसने वीडियो वायरल किया है या रिकॉर्डिंग भेजी है, पहली बात तो ये आवे मेरे साथ में या पुलिस चौकी या किसी जांच एजेंसी के पास चले, इसने कौन सा इसने अवैध निर्माण किया है और झूठी रिकॉर्डिंग फैलाकर सबको बदनाम ले करने का इनका जो ठेका है, पूरे शहर को मालूम है इनकी एक गैंग है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इसने सूरत से बहुत से व्यापारियों को ठग कर यहाँ पर आया है। अभी इसने कोल्हापुर में फिर अपनी एक दुकान खोली है जहाँ पर लोगों को ठगने के लिए और वहाँ कोल्हापुर के व्यापारियों को एक चीटिंग करने के लिए इनकी गैंग है जो ये काम कर रही है। इनका पूरा काम ही ब्लैकमेल करना है। न हमारे वार्ड में कोई अनधिकृत काम हुआ था, न ऐसी कोई बात हुई थी, इनकी मंशा कुछ और है और मैं इसके ऊपर मानहानि का गुनाह दर्ज करवाऊँगा और इसको कोर्ट में ज़रूर मैं इनको खींचूँगा। धन्यवाद महेश जी।